शाहजहाँपुर जनपद के चिलौआ गांव में उत्तर प्रदेश के नंबर वन पर ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग की जा रही है। ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग करके आज यह करोड़पति बने हैं। आइए जानते हैं कहानी एक ऐसे विज्ञान शिक्षक की जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से यह साबित कर दिया है कि अगर मेहनत की जाए तो खेती भी सोना उगलने लगती है। यह कहानी है जलालाबाद के चिलौआ गाँव के रहने वाले विज्ञान शिक्षक आदित्य मिश्रा की, जिन्होंने अपने बेटे को आईटी इंजीनियरिंग की पढ़ाई छुड़वाकर खेती में उतारा है और उन्होंने उन सबके सपने को भी साकार किया है। विज्ञान शिक्षक आदित्य मिश्रा के बेटे अंशुल मिश्रा पुणे में आईटी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे और उन्होंने वहाँ ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग के बारे में जानकारी ली और उस तकनीक को अपने यहाँ पर कर खेतों में ट्रायल किया और उनका ट्रायल सफल भी हुआ है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग में चिलौआ में पहला स्थान हासिल किया है। ड्रैगन फ्रूट एक इम्यूनिटी बूस्टर फल है जो शुगर, कोलेस्ट्रॉल, बीपी जैसी घातक बीमारियों में रामबाण की तरह काम करता है। इसको अमृत फल के नाम से भी जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं अल्लागंज के चिलौआ में। यहाँ पे हम ड्रैगन फ्रूट के बारे में जानेंगे, ड्रैगन फ्रूट क्या होता है और उससे क्या लाभ हैं। हमारे यहाँ अल्लागंज में बहुत ही बड़े स्तर पर ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग की जा रही है गुरुजी के द्वारा। तो आज आइए मिलवाते हैं आपको गुरुजी से कि जिन्होंने यहाँ पे इतने बड़े स्तर पे ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग करके एक बहुत बड़ा इतिहास रचा है और ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ये अपने नज़दीक में ही आपको ड्रैगन फ्रूट मिल जाएगा। बहुत से लोगों ने तो नाम ही नहीं सुना होगा ड्रैगन फ्रूट क्या होता है। तो आइए मिलते हैं गुरुजी से। नमस्ते गुरुजी। गुरुजी ज़रा आप आज बताएंगे हमारे जो दर्शक हैं इन लोगों को कि ड्रैगन फ्रूट क्या है और आपने कैसे शुरुआत की, पहले तो आप अपना परिचय बता दीजिए। मैं आदित्य कुमार मिश्रा, ग्राम चिलौआ, तहसील जलालाबाद, जिला शाहजहाँपुर का रहने वाला हूँ और मैं पेशे से विज्ञान शिक्षक हूँ। हमने ड्रैगन फ्रूट की खेती 2018 में शुरुआत की थी। ड्रैगन फ्रूट की मुख्यतः तीन किस्में होती हैं। एक येलो वैरायटी होती है, बाहर पीला अंदर सफ़ेद होता है, उसे ऑस्ट्रेलियन गोल्ड कहते हैं। दूसरी वैरायटी बाहर लाल अंदर सफ़ेद होती है, उसे वाइट वैरायटी कहते हैं। तीसरी बाहर रेड अंदर रेड, उसे रेड वैरायटी कहते हैं। वर्तमान में रेड वैरायटी का ही प्रचलन ज़्यादा है, उसमें औषधीय गुण ज़्यादा है, उसकी मार्केट वैल्यू भी 50 रुपये एक्स्ट्रा रहती है अन्य वैरायटियों की अपेक्षा। ये तीन किस्में। अच्छा गुरुजी, अब आपसे एक दूसरा सवाल ये है कि ड्रैगन फ्रूट आपने यहाँ पे कब लगाया, इसकी शुरुआत कब से की और कैसे आपको प्रेरणा मिली यहाँ पे ये ड्रैगन फ्रूट लगाने की, क्योंकि एक ऐसा फल है जिसके बारे में कोई जानता ही नहीं था। तो आपने कैसे मतलब इतना बड़ा रिस्क लिया कि ये पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, उसके बाद में भी आपने यहाँ पे लगाया और सफल करके दिखाया इस फार्मिंग को, तो ज़रा इसके बारे में बताइए। ड्रैगन फ्रूट की शुरुआत हमने वर्ष 2018 से की थी। हमने नेट के और यूट्यूब के माध्यम से देखा था, फिर हमने इसकी खेती के लिए गुजरात और महाराष्ट्र उधर संपर्क किया, तो हमने इसके पौधे महाराष्ट्र से अक्टूबर 2018 में मंगवाए थे। 1600 पौधे 50 रुपए के हिसाब से मिला था और हमने इसको तीन प्रकार की ज़मीनों में लगाया, जो बिल्कुल हमारी ऊसर बंजर भूमि है, यहाँ पश्चिम साइड में लगा हुआ है उसमें लगाया, और कुछ हमने नीची ज़मीन थी जिसकी ऊँचाई थोड़ी कम थी उस पर लगाया, बाकी सामान्य भूमि पे लगाया, तो तीनों जगह अच्छी ग्रोथ हो रही। वो हमने इसलिए लगा था ट्रायल हो सके कि अच्छी भूमि में कैसा होगा, अगर भूमि बेकार है बंजर ऊसर तो कैसा होगा। तो हर प्रकार की भूमि में अच्छा चल रहा है। अच्छा। और इस समय पर हमारे पास 3 एकड़ खेतों में लगा हुआ है, बाकी टेलिस मेथड से है, रूफ टॉप फार्मिंग में छतों पर है, वाल फार्मिंग यानी दीवार पर खेती होती है, जैसे इसराइल में दीवार पर 3 लेयर में गेहूँ होता है, धान होता है, अन्य फसलें होती हैं, उसी प्रकार से हमने ड्रैगन की खेती दीवारों पे भी की है। हमारे पास 20,000 पौधा खेतों में लगा हुआ है और 20,000 पौधे का नर्सरी में स्टॉक रहता है। अच्छा गुरुजी, इसमें है जैसे कि क्या हिसाब से पौधे मिलते हैं और इसे लगाने में प्लांटेशन करने में कितना खर्चा आता है, कितना समय लगता है और इस फल से लाभ क्या क्या है? ड्रैगन फ्रूट की खेती का 1 एकड़ का खर्चा जो है बता रहे हैं आप, 1 एकड़ में 500 पोल लगते हैं। अच्छा। और एक पोल पे 4 पौधे लगाए जाते हैं, एक पौधे का रेट 50 रुपये होता है, तो इस प्रकार 1 एकड़ में 500 पोल लगेंगे और 500 × 4 यानी 2000 पौधे लगेंगे। 2000 पौधों का खर्चा 50 के हिसाब से 1 लाख रुपए हो गया। और पोल अगर आप अपने आप बनवा लेते हैं लेबर करके या कोई मिस्त्री करके, तो आपका पोल जो है प्रति पोल 300 से 350 रुपये में तैयार हो जाता है।
एक सीमेंट की बोरी में 9 पोल बनते हैं जी। इसी हिसाब से करीब 1,25,000 या 1,30,000 और 1,00,000 पौधों का 2,30,000 कुछ लेबर कास्ट मिला के 2,50,000 का औसत खर्चा एक एकड़ का आता है। अन्य यूट्यूब वाले बताते हैं कि वो एक एकड़ में 4,00,000-5,00,000 लग जाएंगे जी, जी। उनके हिसाब से नहीं, हम जो बताते हैं उसका काश्तकार का कम से कम सीमेंट अपना बाजार से लेके मोरंग गिट्टी लेबर से आप बनवा लें जी जी, तो आपका 2,50,000 रुपए प्रति एकड़ का खर्चा आता है जी जी। तो ये जो फल होता है इससे लाभ क्या क्या है, ये किस ये फल जो है डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, हार्ट, कैंसर, अर्थराइटिस जी, इनमें रामबाण फल बताया गया है, यानी बहुत ही लाभकारी है और ये शरीर का हार्मोन्स बैलेंस रखता है जी जी। उत्तर प्रदेश में ये कहाँ कहाँ इसकी खेती कराई जा रही है कुछ जानकारी? उत्तर प्रदेश में अभी मुख्यतः इसके 3-4 किसान हैं, बाकी कुछ लोगों ने और लगाया है लेकिन अभी उनके पास फल पैदा नहीं हो रहा, क्यों इसका पौधा लगाने के 1 साल के बाद और दूसरे साल से पहले 1.5 साल पे फल आता है जी। हम 18 से कर रहे हैं, हमारे पास तीसरी बार इस साल जो फसल हुई थी वो तीसरे वर्ष की थी जी जी। और कुछ और जिलों में है अभी छोटे किसान हैं, जो भी यूपी में किसान हैं वो सब 1 एकड़ या उससे छोटे किसान हैं जी जी। बड़े स्केल पे हमारे पास यहाँ खेती हो रही है। अच्छा अच्छा। जो 20,000 पौधे हैं, टेलिस मेथड पे भी है और ड्रैगन पोल विधि में भी है और दीवारों पे इस तरह भी हम खेत में चल के आपको दिखाएंगे जी। तो क्या हमारे हरदोई से मतलब ये फार्मिंग अभी शुरुआत हुई कि नहीं हुई हरदोई जनपद में? शाहजहाँपुर का पड़ोसी जनपद हरदोई है, हरदोई में अभी कुछ पौधे ले गए हैं, ज़्यादा अभी कोई विस्तृत स्तर पर नहीं कर रहा है। अच्छा गुरुजी, कहाँ कहाँ से लोग आकर यहाँ विजिट कर चुके हैं अभी तक, मतलब दूर दराज से कहाँ कहाँ के लोग, क्योंकि आपकी प्रसिद्धि काफ़ी हमने देखी है। यहाँ उत्तराखंड, देहरादून, चमोली और राजस्थान, पंजाब और यूपी में औरैया, धौरहरा, लखीमपुर, बरेली, पीलीभीत, बिजनौर, एटा, इटावा, फरुखाबाद, इलाहाबाद में पौधे गए हैं, आदि जनपदों के किसान आते रहते हैं। संडे को यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है, उनको हम किसानों को एक दिन की संडे को ट्रेनिंग भी देते हैं जी, फ्री में जी, ताकि वो सीख सके। अच्छा अच्छा, फ्री में ट्रेनिंग देते हैं फार्मिंग करेंगे जी। अच्छा अच्छा। अभी